पर प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के लिए आए हैं। देखिए एक भैंस है, लगभग कितने महीने गाभिन है ये? सर 5 महीने करीब। 5 महीने की है संभावित, पर ये है कि कुछ कंफ्यूजन सी स्थिति बनी हुई है कि ये गाभिन है कि नहीं है। तो इसको तब से गर्म नहीं हुई, 5 महीने नहीं, नहीं। 5 महीने से गर्म नहीं हुई है। देखिए इसके लक्षण, देखिए भैंस को पूरा एक बार आप भैंस को पूरा दिखा दो कि कैसी है भैंस, बाहरी लक्षणों से क्या आभास हो रहा है इसको। पीडी करने के लिए पूंछ पकड़ ली, एक आदमी साथ में होना चाहिए, क्योंकि हम पर रेक्टल करते हैं, जो गोबर वाला हिस्सा होता है उससे करना होता है। तो शुरुआत में हाथ को कोन बना लें, ऐसे जो पर रेक्टल करना तो थोड़ा सा नुकीला बना लें हाथ को, और उसके बाद हाथ अंदर डाल के पहले ये देख लीजिए गोबर है कि नहीं इसमें। अब जैसे इत्तफाकन इस पशु के अंदर गोबर इस समय नहीं है, उसने अभी कर लिया है, वरना हम आपको भी दिखाते हैं। आप सबसे पहले, हमने जब हाथ डाला तो हमें सबसे पहले सर्विक्स देखना होगा, जो बच्चेदानी का शुरुआत होती है वो सर्विक्स से होती है। अब आप जरा सा हाथ डालोगे तो आपको सर्विक्स मिल जाएगा, सर्विक्स को ही पकड़ के सबसे पहले हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। जरा देखिए जानवर जोर लगाए तो हाथ वहीं छोड़ दें, बिल्कुल एकदम कुछ मत करें, थोड़ी देर बाद उसका जोर अपने आप शांत हो जाएगा। अब जैसे हमने जब सर्विक्स पकड़ा और इसके आगे गए तो पूरी बच्चेदानी हाथ में आ रही है। अब इस समय बच्चेदानी हाथ में आने का मतलब है कि पशु खाली, इसका कोई भी हॉर्न जो है, जैसे ये लेफ्ट हॉर्न देखा, दो हॉर्न होते हैं बच्चेदानी के, सर्विक्स आया कि बच्चेदानी, दोनों हॉर्न एक एक करके हमने छू लिए इसके, और दोनों हॉर्न जब ये हमें मिल गए तो इसका मतलब जो है पशु खाली है। 5 महीने हो गए तब से कभी आई नहीं हीट ना, ठीक है। ये दूसरा पशु हरीश जी के यहाँ था, इसको ये गाभिन मान रहे थे कि ये 6 माह की गाभिन है, जबकि बाहर से भी इसकी स्टेट ऐसी नहीं लग रही थी। जब इसे चेक किया गया तो इसकी बच्चेदानी, इसका यूटरस बहुत ही अनडेवलप्ड, कम विकसित अवस्था में पाया गया। इन्हें इस बात की सलाह दी गई कि आप इसको इस तरह पशु को रखोगे तो आप नुकसान उठाओगे, इसको एक कीड़े की दवा दो और पर डे 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर किसी अच्छी कंपनी का लेकर उसे खिलाना शुरू करो, जिससे वो फिर से गर्भी में आए और फिर आप उसका गर्भाधान कराएं। अगर आप उसको 100-200 रुपए के लालच में इसी तरह खिलाते रहोगे तो अल्टीमेटली वो आपके पैसे का नुकसान हो।